बरेली के थाना नवाबगंज पहुंचे एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने केशव हत्याकांड का अब तक खुलासा न होने पर भी पुलिसकर्मियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई का भी जायजा लिया। साथ ही एसएसपी ने निजी वाहन चालकों से अवैध वसूली किए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नवाबगंज क्षेत्र अधिकारी प्रभात कुमार, इंस्पेक्टर धनंजय सिंह सहित थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मेरे द्वारा थाना नवाबगंज का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ हमारे पुराने अनावरण हेतु शेष केस थे, जिसमें एक मर्डर का मामला जो चल रहा है उसमें अभी अनावरण नहीं हो पाया, तो उसी को देखने के लिए, उसमें प्रगति को देखने के लिए मैं आया था। साथ ही साथ मेरे द्वारा यहाँ पे इससे पहले अभी केवलड़िया थाने का निरीक्षण भी पहले किया गया, तो वहीं से मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो थाने की व्यवस्था है, यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क है और अन्य जो चीज़ें हैं साफ़ सफाई, उसको मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था। और मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण यहाँ पर किया गया और यहाँ पे जो परिसर है उसको साफ़ सफाई उसकी देखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो माल का निस्तारण है उसको भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं थाने के उनको अभी कितने अपडेट हैं नहीं है वो भी मेरे द्वारा देखा जा रहा है। अचानक सर आपका आना हुआ, किसी तरह की खामी आपको मिली थी? नहीं, मेरे द्वारा जो मुख्यतः तो जो अनावरण है तो शेष जो केस है उसको, उसकी प्रगति को जानने के लिए मैं आया था। तो क्षेत्राधिकारी भी यहाँ पे बैठे हैं, तो उनसे भी मेरे द्वारा वार्ता की गई है, वो क्या उसमें काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, उन सबको मेरे द्वारा देखा जा रहा है। और इसमें वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं। सर ओवरलोड जो वाहन चल रहा है उसके बारे में सर क्या बताइए? कौन से ओवरलोड वाहन? किसमें ट्रालियाँ हैं गन्ने की, भूसे की? वो तो गन्ने की ट्रॉलियाँ, तो इसमें भूसे की गाड़ी जाती है डेली सर। नहीं, गन्ने की ट्रॉलियाँ वगैरह तो मिल रही है, तो बहुत भारी लोडिंग होती है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अब ट्रैफिक वहाँ भी चल रहा है, उसी में कार्रवाई है, उसमें जारी रहेंगी। और सर खनन माफिया जो इस टाइम हावी है, तो नहीं खनन में जो अगर कोई अवैध खनन कहीं पे हो रहा है, तो उसकी शिकायत के बाद जो जो एसडीएम और क्षेत्राधिकारी उनकी जो संयुक्त टीम है और जो उसमें राजस्व पुलिस की जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा उसमें कार्रवाई भी की जाती है, और कोई भी सूचना मिलती है या आपके द्वारा दी जाती है तो उसमें जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है, थैंक यू।